हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो मैं अभी निकल रही हूँ तैयार होके पटना सिटी के लिए मेरी बेटी से, जिसने मेरा रास्ता काट दिया। इसने मुझे रोक दिया कि मम्मा मुझे छोड़ के मत जाओ। हाँ बेटा, हाँ 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 हाँ, कर लो पूरा का पूरा चोना कर लो। नहीं मम्मा अभी फ्री नहीं है बेटा, मम्मा बिल्कुल भी फ्री नहीं है कि तुमको खुजी खुजी करेगी। मम्मा जा रही है, मम्मा लेट हुआ है बेटा, सुनो ना, मम्मा को बहुत दूर जाना है, पटना सिटी जाना है। अच्छा ठीक है, आ जा बिस्किट खिलाती हूँ। मुझे पता है तू घूसखोर है, जब तक तुझे घूस ना मिले तू मुझे छोड़ेगी नहीं। कम बेटा कम। सुनो ना, गली में जो तुम ये कांड कर रही हो ना दूसरे कुत्तों के साथ, मार कर तुम्हारा मुँह लाल कर दूंगी बेटा, बता रही हूँ। ओ गॉड, ये सब हरकतें नहीं करते बेटा, लोग देख के क्या बोलेंगे। उठ जा, उठ जा बेटा, उठ जा, उठ जा, चलो बिस्किट खाने चलो, आ जाओ। अरे रे, चोना देखो इसका, चोना चलने का तरीका आप लोग देखो कैसे चलती है। मार डालूंगी तुझे मैं, मोय 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 कर रही है। अरे क्या बेटा, क्या कर रही है मेरा सोना। मम्मा लेट हो जाएगी बेटा, ऐसे ना करो। मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब मैं घर से निकल जाती हूँ तो मैं अपना जो मेन चीज़ होता है ना घर पे ही छोड़ के चली आती हूँ। तो मैंने घर पे चार्जर छोड़ दिया। चार्जर ज़रूरी है क्योंकि मुझे 3 वीडियो करना है, तो बैटरी डाउन हो जाएगी तो कैसे चार्ज करूँगी। सो मैं घर जा रही हूँ चार्जर लेने के लिए। रुकना बाबा रुक, 2 मिनट रुक, चार्जर लेके आऊँगी तो तुझे बिस्कुट दूँगी। मैं पार्लर भाग के आई हूँ क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ, और मैंने मैडम को बोला कि थोड़ा से जल्दी से मेरी दाढ़ी मूछें बना दीजिए क्योंकि मुझे निकलना है, साथ में आईब्रो भी, क्योंकि आईब्रो की भी ज़रूरत है। आईब्रो बन गए हैं, आईब्रो जो है थोड़े से पतले हो गए हैं इस बार, और अभी हो रहा है 12:45। मैं हो चुकी हूँ लेट क्योंकि मैंने दिया हुआ है टाइम वीडियो का 2:30। देखती हूँ पहुँच पाऊँगी कि नहीं। अभी तो मैं बोरिंग रोड में हूँ और सिटी पहुँचने में बहुत टाइम लगता है, कम से कम 1-1.5 घंटा तो जाता ही जाता है। आई होप मैं टाइम से पहुँच जाऊँ। ऑटो भाई, ऑटो मिलना भी बहुत बड़ा वो है टास्क है। अभी तो कोई ऑटो दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि चौराहा तक पैदल चल के जाना होगा, देन कहीं ऑटो मिले। 2 ऑटो आ रहे हैं बट स्टेशन वाले हैं। गांधी मैदान, गांधी मैदान जाना है ना, ओके चलिए। आईब्रो तो ठीक है सेट हो गया, बट पता नहीं मेरे यहाँ के जो बाल है ना ये उड़ रहे हैं, अजीब लग रहा है। मैं पहुँच गई हूँ गाय घाट, यहाँ से ऑटो लूँगी और जाऊँगी खचकला जगह का नाम भूल गई, देखती हूँ। एक थाना है वहाँ पर मुझे वीडियो बनाना है, खचकला थाना। मैम सिर्फ ये ना, हाँ चलिए, सॉरी लगे तो नहीं। दोस्तों मैं पहुँच चुकी हूँ खाजे कला थाना, मैं इसका नाम बार बार भूल जाती हूँ तो ऑटो वाले से पूछती हूँ कि प्लीज़ आप मुझे वहाँ छोड़ दीजिएगा। नाम ऐसा है ना कि मुझे याद नहीं रहता, बोलते टाइम भी मैं फंबल करती हूँ। और अभी जा रही हूँ जिसका वीडियो बनाना है, पहले उसका वीडियो बना लेती हूँ एंड उसके बाद कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगी सिटी का, तो मिलते हैं थोड़े ही देर में। इवनिंग के हो रहे हैं 6 और मैंने सोचा था कि सिटी एक्सप्लोर करूंगी बट नहीं हो पाया क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत समय लगा है, 4 घंटे लगे हैं। एंड अभी मैं जा रही हूँ ड्राई फ्रूट्स ख़रीदने के लिए, ड्राई फ्रूट्स ख़रीद के निकलूँगी। कुछ नहीं दिखा पाया बाबा, कुछ भी नहीं। मैंने खुद के लिए भी थोड़ी मोड़ी शॉपिंग की है, तो वो मैं घर चल के दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया है। एंड मैंने जिनका वीडियो बनाया है, बहुत ही प्यारा वीडियो बना है, आपको देखने के लिए बहुत ही जल्द मिल जाएगा। एंड 3 वीडियो किया है मैंने, ज्वेलरी का किया है और मेकअप का किया है, हेयर एक्सेसरीज का किया है। तो अभी हूँ मैं ड्राई फ्रूट्स के मार्केट में, यहाँ से कुछ ड्राई फ्रूट्स ख़रीदना है मुझे, देख लेती हूँ कैसे है क्या है एंड लेके घर निकलूँगी। बहुत लेट हो गया भाई साहब। ये छुहाड़े कैसे हैं? 140 रुपए। ओके, एंड आप लोग होलसेल प्राइस लगाते हो ना? ओके, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है मेरे को, थोड़ा ही लेना है बट होलसेल प्राइस में चाहिए। लगाएंगे जी, समय से 1-1 kg ही लूँगी। नहीं मतलब होलसेल वाला ही प्राइस लगाने के। और किशमिश वगैरह कैसे है ये सब? किशमिश हरा वाला अच्छा में लगा दीजिए। हाँ बाबू हरा वाला। ये क्या है?
किशमिश बढ़िया वाला है। हाँ बढ़िया वाला। ओके अंकल, आप देखिए आपको आइडिया है ना, मुझे आइडिया नहीं है। हरा वाला मालूम बोल दिया। हाँ क्योंकि सबसे अच्छा होता है ग्रीन वाला ना। अच्छा इसमें सब बढ़िया रहता है। हाँ ग्रीन वाला भी डाला रखो तो खट्टा लगता है। ये है। अच्छा कैसे है ये, कैसे केजी है ये? आपको पड़ जाएगा। हाँ 200 रुपये के जी पड़ जाएगा। 200 रुपये के जी है ना। ओके और क्या क्या है ड्राई फ्रूट्स में? आप चखिए ना, आप चखिए ना। और क्या है, छुहाड़े वगैरह भी है ना? देखिए खजूर है। हाँ गोल्ड का खजूर। कैसे है ये डब्बा? डब्बा पड़ जाएगा आपको 150 रुपये डब्बा जी। फिर इससे बढ़िया वाला लीजिएगा। हाँ ये वाला आएगा, देखिए ब्लू वाला डब्बा है। ओके जी, ये आपको पड़ जाएगा 170 रुपये पैकेट। 170, ये ज्यादा है क्वांटिटी में? ज्यादा है, दोनों बढ़िया है। खोल के ये खोल के दिखा देंगे, दोनों बढ़िया। देखिए जी दोस्तों, खराब नहीं रहता है। देखिए दोस्तों समस्या ये है कि मैं पहले दुकान में आके रुक गई, बट देखते हैं अच्छा रहेगा तो यहीं से लेंगे। एंड नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ ये मार्केट एक्सप्लोर करूंगी। तो फाइनली मैंने ड्राई फ्रूट्स खरीद लिए, वो भी बहुत सारे खरीदे हैं, सारे में से कुछ कुछ लिया है। अभी देखते हैं कि पैसे कितने बनते हैं। इसके साथ साथ ना ये जो आप देख रहे हो ना, ये भी है। सारे ड्राई फ्रूट्स में मैंने एक एक केजी लिया है काजू को छोड़ के। काजू बहुत ही कॉस्टली है, सो मैंने उसका एक छोटा सा पैकेट लिया है। तो अभी देखते हैं जो बिल है वो मेरा दिमाग ना हिला दे। कल मैंने सिटी से कुछ सामान लिए थे जिनके यहाँ वीडियो बनाया था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि कल मुझे क्या क्या मिला। सबसे पहले ये दिखाना चाहूँगी, ये जो चीज़ है ना ये गले का सेट है और ये मुझे राजा ने गिफ्ट में दिया। ये काफ़ी प्यारा है, अच्छा है, कभी कभार यूज में आ जाएगा। कभी मैं पार्टी वगैरह में जाती हूँ ना तो मेरे पास हल्के सेट नहीं है तो ये मैं यूज कर सकती हूँ। और ये ऐसा है ना कि हर एक कलर के ड्रेस पे चला जाएगा, मेरी बहन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, उसको ये सब बहुत पसंद है ज्वेलरी में। आप बताओ आपको कैसा लग रहा है। और दूसरा चीज़ ये है कि ईयरिंग्स, ये देखिए इस टाइप का एक है मेरे पास, बट वो थोड़ा सा अलग है, उसका डिज़ाइन अलग है, इसका अलग है। ये मुझे शायद 48 का पड़ा है, ये होलसेल प्राइस में मुझे मिल गया क्योंकि मैंने उनकी वीडियो बनाई हुई है। और ऐसे देखें मार्केट में तो इसका जो प्राइस है मेरे ख्याल से 150 के आसपास का होगा, 120 से 150 के बीच का होगा। और मैंने लिए हैं एक और ईयरिंग्स, ये देखिए ये भी शायद 48 के आसपास का है, मतलब 35 से लेकर 48 के बीच में पड़े हैं ईयरिंग्स मुझे। इसमें ना एक और कलर लिया है मैंने, ये ग्रीन है। ग्रीन ऐसा है कि हर एक तरह के ड्रेस पे चला जाता है और मुझे अच्छा लगता है ग्रीन ज्वेलरी। तो ये पीला वाला भी अच्छा लग रहा है लेकिन मुझे ज़्यादा ग्रीन अच्छा लगा। मैं इसको खोलूँगी नहीं, ऊपर से समझ में आ रहा है। सो और एक और ईयरिंग्स है, ये देखिए ये वाला तो बहुत अच्छा लगा, ये है मैरून में। ये मल्टी कलर के ड्रेस पे चला जाएगा और प्यारा लग रहा है ना। ये शायद 48 का पड़ा है जी। तीनों सेम ही प्राइस है और मैंने गले का लिया है एक, ये देखिए ये लॉकेट है और ये चैन के साथ है। ये मेरे हिसाब से कलर छोड़ देगा लेकिन फिर भी कुछ समय तो यूज कर ही सकते हैं। ये जो है ये ब्लैक में है और ये अच्छा लग रहा है, वन पीस वगैरह पे प्यारा लगेगा। इन सब का प्राइस मुझे याद नहीं है कितने का है, बट ये भी सस्ता ही पड़ा है मुझे मार्केट में, इसका प्राइस अच्छा खासा है। और साथ ही मैंने पायल ली, दो पायल, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं पायल का वीडियो बना रही थी ना तभी मुझे एक नज़र में ये पायल पसंद आ गई थी। इसको आप चाहो तो एक भी पहन सकते हो, चाहो तो दो दो भी पहन सकते हो। शायद ये पायल 30 या 35 रुपये की होगी, अब एग्जैक्टली प्राइस तो याद नहीं है मुझे, हालांकि मैंने कल ही वीडियो बनाया है फिर भी मैं प्राइस भूल गई। तो आप लोग बताओ आपको कैसी लगी मेरी खरीदारी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।